आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस, मैं हूं अजहर बारी। कैंपल रोड लखनऊ में इस वक्त हम हैं और यहां पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। कई पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार खम ठोक रही है। साथ ही साथ हम आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मुकाबला दिलचस्प है और जाहिर है कि जब मुकाबला हो रहा हो तो किसी न किसी का पलड़ा भारी भी होता है। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त 3 खास लोग मौजूद हैं, इलाके के ये कहा जा सकता है कि इलाके के वो लोग हैं जो राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं। हम इन्हीं से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, यहाँ के लोगों के मन में क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या जो एक रुझान दिया जा रहा है कि तब्दीली आ रही है, तो क्या ये तब्दीली होती भी दिख भी रही है। श्रीकांत दीक्षित। दीक्षित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या आपके मन में चल रहा है, चूँकि 23 तारीख को मतदान करना है तो कुछ आपके मन में होगा। नहीं, हमने डिसाइड कर रखा है, मन में है परिवर्तन चाहिए। अभी तक श्रीवास्तव जी थे विधायक जी, उन्होंने कुछ किया नहीं। योगी जी खाली बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, कागजों में जो किया होगा दिखता तो कुछ है नहीं सड़क पे। बीजेपी के विकास के दावे पे आपको शक है? अब जो दिखे वो तो है, बाकी तो शक सभी है। जो सामने आँखों के दिखे सच्चा तो वही होता है ना, सुनी हुई बात तो सच्ची नहीं होती। अच्छा, मुद्दे क्या दिख रहे हैं आपको इस बार? मुद्दे ये हैं कि भाई अब इस समय आम पब्लिक को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना, महंगाई है, चरम सीमा पे है, उससे राहत चाहिए, भाई यही जनता के मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये नेता जो है इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल इस विषय पे कोई बात नहीं हो रही। आदमी ये उम्मीद चाह रहा है कि शायद परिवर्तन हो, अखिलेश जी से लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आएंगे तो कुछ ठीक करेंगे। हमारे साथ महिला वोटर भी हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? शगुप्ता। शगुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे आपके मन में क्या चल रहा है। सर, चेंज चाहिए बस। चेंज इसलिए चाहिए सर क्योंकि एजुकेशन पे और बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस होनी चाहिए सबकी। इस बार स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सब परेशान हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके सर, तो इसलिए ये चाहते हैं कि थोड़ा चेंज होए। चाहे यही सरकार रहे तो भी हम लोग को चेंज चाहिए, और अगर सरकार चेंज होती है तो वो भी हम लोग के मतलब न्यू जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए सर। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो है चेंज आए, लेकिन और जो दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जैसा आपने बताया शिक्षा एक मुद्दा है, तो इन तमाम मुद्दों पे पानी का मुद्दा है, स्थानीय मुद्दों को नेता टच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? सर, यही तो बात है, सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम है क्योंकि हम आम पब्लिक की बात सुनी नहीं जा रही है। अब कोई अच्छा नेता जिस इस तरह की बात करे कि हम लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, वो अगर उस पर फोकस करें तो उसी को वोट जाएगा बस। तो क्या आपको लगता है कि जनता को इग्नोर किया जाता है? बिल्कुल सर, जनता को ही इग्नोर किया जाता है, सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। तो इस बार मौका आपके हाथ लगा है, आप जो है जवाब दें। बिल्कुल, जवाब सर, जवाब यही है कि वोट दूंगी, वही जवाब होगा, तब्दीली के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका फ्रीडम एक्सप्रेस का कि आपने हमको मौका दिया, हमारी बात सुनने का मौका दिया। क्योंकि आज पिछले कई सालों से जब से कुछ सरकारें बदली हैं, उन सरकारों से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती नज़र नहीं आ रही है। हमारी आवाज़ पहुंचाने का जो माध्यम था, जो मीडिया थी, तमाम तर मीडिया उसने अपना विश्वास खो दिया। जनता ने उससे अपना बिल्कुल भरोसा उठ गया जनता का कि हम किस तरह से अपनी बात को आगे रखें। इसलिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, ये तो कहिए कि एक लोकतांत्रिक हक है हम जनता का, जो कि हम वोट के ज़रिए अपना नेता चुनेंगे। हमको ये विश्वास दिलाया गया था कि हम आपको जो है गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन जहाँ पर आप मौजूद हैं, अगर आप कैमरे से दिखा सकते हैं तो देख लीजिए कि जो गड्ढा युक्त सड़कें जो हुई हैं, ये इससे पहले भी थी लेकिन ये हालत नहीं थी। जो क्षेत्रीय दुर्दशा है वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, यहाँ तक कि पब्लिक से लेके महल्ले तक और महल्ले से लेके शहर तक, पूरा शहर जो है जब बारिश होती है तो डूब जाता है और नहीं होती तो गड्ढों से
जूझता है आदमी। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं, लिहाजा हम लोगों को बदलाव चाहिए। अच्छा, आपने कहा बदलाव चाहिए, आपसे एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर जनरली जो है चुनाव होता है, वो मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दे इस वक्त हावी होंगे जो बचे हुए मतदान के चरण? बिल्कुल सही कहा आपने, क्षेत्रीय मुद्दे तो हावी होंगे क्योंकि ये मुद्दा जो है विकास पे ही डिपेंड करता है। जो लोग विकास करेंगे वो लोग इस क्षेत्र से चुन के आएंगे, और जिन्होंने विकास किया है उनको जनता न भूलती है और न भूलेगी, न उन पार्टियों के ही साथ जाएगी जिन्होंने विकास का कार्य किया है। और आपने देखा कि आज के दौर में जो नेता हैं, जो कोई भी पेपर उठा के देखिए, वो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि अगर जो है वर्तमान सरकार नहीं आई तो माफिया राज होगा, माफिया बाहर होंगे। हमारा आज तक हमने किसी माफिया को नहीं देखा, ना माफियाओं से हमारा क्षेत्र पीड़ित है। बीजेपी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वो तो अब उसमें कहने की क्या बात है, कुछ सच्चे लोग तो यही कहते हैं कि बीजेपी हर बात झूठ बोलती है और हर बात उनका जुमला होता है। यहाँ तक कि किसान जो है गाय और उससे परेशान है, बैल से, और यहाँ की जो पब्लिक है वो महंगाई से परेशान है, जवान बेरोज़गारी से परेशान है, हमारे स्टूडेंट स्कूल के क्लोजिंग से परेशान है, हमारे गार्जियन जो हैं, जितने भी गार्जियन हैं, सब फीस की अदायगी से परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि आप राजनीति पे गहरी नज़र रखते हैं, अगर इस विधानसभा सीट की हम बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपका जो है सेंस क्या कहता है इस वक्त, कौन इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले हमेशा ये कहा जाता था कि जो सत्ता पक्ष की जो सरकार चल रही है उसके अगेंस्ट लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है और बड़ा विचित्र परिस्थितियों में चुनाव जा रहा है कि अब की बार कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष लड़ रहा है। तो यहाँ पे फाइट सिर्फ दो ही लोगों में है, विपक्ष में और पक्ष में। पक्ष में बीजेपी जो है, बीजेपी और समाजवादी की पहले लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि अब की बार लड़ाई समाजवादी की लड़ाई बीजेपी से है। बिल्कुल, समाजवादी की लड़ाई बीजेपी से है। अर्षा गुप्ता, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, पिछले साल हमने देखा लखनऊ जो है एक तरह से सेंटर उभर करके आया CA NRC को लेकर के, बड़ा हंगामा हमने देखा, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे भी लोगों के जहन में होंगे? बिल्कुल सर, ये सबके दिलों में है, जहन में तो है ही सर, हर एक के दिल पे चोट लगी है सर, इस तरह का गवर्नमेंट को, इस तरह का किसी भी पर्सन के साथ, हम सब उनके उसमें आते हैं ना, मतलब कि मतलब हम सबके सबका सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरह का नहीं करना चाहिए कि आपके लिए ये है आपके लिए ये है, ऐसा नहीं है, इक्वल है हमारा देश, इसलिए नहीं समझ में आ रही है सरकार। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहिए, जात बिरादरी कार्ड को भी लेकर के बहस हो रही है, जात बिरादरी की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन कहीं हर जगह जो है, जगह जगह जो है जात बिरादरी को जो है तरजीह दी जा रही है, उसे बढ़ाने की बात की जा रही है, आपको लगता है? हाँ, लोग कोशिश करते हैं, हाँ ज़रूर लोग कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण है, यादव है, मौर्य है, ये सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भाई इनसे थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं, इन चीज़ों को हम लोग नहीं मानते हैं, और लखनऊ में ऐसा ज़्यादा है भी नहीं, है ना, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है लेकिन लखनऊ में ऐसा नहीं है, सब शिक्षित लोग हैं, इस चीज़ पे कोई विशेष वो नहीं है कि कोई जाति विशेष एक जगह चली जाएगी, यहाँ हर आदमी समझदार है। तो जात बिरादरी पे वोट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल, खुद समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सेंसस कराएंगे। एक्चुअल भैया, राजनीति जो है ये एक प्रकार का यूँ समझ लीजिए कि व्यवसाय है, वो अपने व्यवसाय के हिसाब से वो गोटे बस रहे हैं, उस हिसाब से उनको सीट निकालनी है, आना है, इसलिए वो सब उनके पॉइंट हैं, वो सब ऐसा कहेंगे नहीं तो कैसे लोग खींचेंगे, कैसे टूटेंगे, जैसे कोई चीज़ कहनी होती तो उसकी भूमिका पहले बनाते हैं, वो माहौल क्रिएट करते हैं बस। अच्छा, चूँकि आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति में लोगों में क्या इस वक्त जो है उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ आप बताएं? नहीं, ब्राह्मण तो ठगा हुआ है, वो सोच ही नहीं रहा कि हम जावें किधर, वो एक आशा की किरण देखता है ना, वो सबके साथ चला जाता है, कभी मायावती के साथ, कभी अखिलेश के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा, इस उम्मीद से कि शायद उसको कुछ वहाँ मिले, है ना, लेकिन उसको खाली धोखा ही मिलता है ना। बाबा जी आए, वो सब ब्राह्मणों के पीछे ही पड़ गए हाथ पैर धो करके। मैं जैसे मतलब दुनिया में जितने माफिया होते हैं सब ब्राह्मणों में ही पैदा होते हैं, है ना, तो ब्राह्मणों को तो मतलब ठगे हुए हैं उनके साथ। यही शिकायत तो जो है ये भी ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि मुख्तार अंसारी, आज़म खान, ये सब भी हैं जी। बिल्कुल, इसमें मुख्तार अंसारी या आज़म खान साहब नहीं,
अब आप देखें कि किसानों का कातिल वो छूट जाता है, और भैंस का, जिसके भैंस चोरी का मुकदमा लगा के इस देश के एक राजनीतिक दल के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता को, उसको जमानत नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किस तरह लोकतंत्र को जो है रौंदा जा रहा है, किस तरह से न्यायपालिकाओं पे अपना अधिकार जमाया गया, किस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज़ किया जा रहा है। तो हर तरह से लोगों को डराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी समुदाय का या किसी समाज का हो, भय सबके अंदर प्राप्त है। नहीं तो आपको लगता है कि भय है? नहीं, बिल्कुल इस बात का भय हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे आपके द्वारा किसी से माध्यम से बात करनी है और लोगों के द्वारा माध्यम से बात करनी है, हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन एक आम जनरल आदमी के अंदर यही बात खौफ डाला जा रहा है कि नहीं नहीं अगर दूसरी सरकार आएगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। आप किसी पेपर की हेडलाइन उठा के देख लें तो ये इलेक्शन कहीं से समाजवादी और बीजेपी के बीच जो चल रहा है इस वक्त, पूरी तरह से सारी पार्टियां जो हैं नज़रअंदाज कर दी गई हैं कि यहां पे कोई फाइट में नहीं है सिवाय इन दो पार्टियों के। और मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जो बनती हुई सरकार नज़र आ रही है, जो रुझान नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से बड़े जो नेता हैं उनके अंदर एक अपने आप में बौखलाहट पैदा हो चुकी है। वो घबराए हुए हैं कि अब सरकार आएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये उनके आखिरी पत्ते थे जो पब्लिक के अंदर वो जिस तरह का भय का संदेश देना चाहते हैं वो लोगों के ऊपर कारगर हो नहीं रहा है। तो लखनऊ वेस्ट सीट पर फिलहाल हम आपको बताएं कि सीधे सीधे मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, ये इन सम्मानित लोगों का मानना है। हालांकि तस्वीर 10 मार्च को साफ हो पाएगी कि इस इलाके के यानी लखनऊ वेस्ट सीट पर यहाँ की जनता क्या फैसला करती है, 10 तारीख को पता चल पाएगा।